बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र का लगातार कर रहे दौरा। इसी क्रम में छपरा जिला के अमनौर विधानसभा क्षेत्र में अभी कयासों के दौर में 12 प्रत्याशी दिख रहे हैं, जिसमें भाजपा के विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ जोकर बाबा, पूर्व विधायक मंटू सिंह जदयू से आरजेडी जिला अध्यक्ष सुनील राय, रालोसपा से राहुल सिंह, लोजपा से जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू सिंह, वहीं कयासो से भाजपा से प्रियरंजन सिंह युवराज, भाजपा से कामेश्वर ओझा, बहुजन समाज पार्टी की सीट से पूनम राय लड़ी थी। उनका कहना है कि आरजेडी से हमारी बातें चल रही हैं, लेकिन इस बार दावा है कि वहीं संगीता सिंह भाजपा के टिकट की दावे की दारे की बात कर रही हैं। अब से एक राय आरजेडी के सिंबल से लड़ने की बातें कर रहे हैं। नंदकिशोर सिंह जदयू से थे, भाजपा से अवधेश राय। अब देखना यह होगा कि जनता किसको अपना प्रतिनिधित्व अमनौर से देती है। अभी कयासों का दौर चालू है। पूर्व विधायक के कामों को तस्बो देती है या वर्तमान विधायक के कार्यों का या नए चेहरे को जीत दिलाकर विधानसभा भेजती है, यह तो समय के गर्व में है। अमनौर विधानसभा के प्रत्याशियों को लेकर नेशनल खबर 9 के ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9 छपरा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कयासों का दौर चालू है। वहीं सारण जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों का कयासों का दौर भी चालू है। इसी क्रम में अमनौर विधानसभा से 12 प्रत्याशियों का नाम आ रहा है, जिसमें वर्तमान विधायक शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा जो की भाजपा के विधायक हैं, वहीं दूसरे नंबर पे जदयू के पूर्व विधायक मंटू सिंह, आरजेडी से सुनील राय, रालोसपा से राहुल सिंह, वहीं भाजपा से 3-4 प्रत्याशी का नाम और आ रहा है जो कि बता रहे हैं कि मुझे भी भाजपा का टिकट मिल सकता है। उसमें प्रियरंजन युवराज, कामेश्वर ओझा, संगीता सिंह और साथ में और नामे आ रहे हैं, जैसे जदयू से नंदकिशोर सिंह और आरजेडी से अभिषेक राय का भी बात हो रही है। वहीं बसपा के टिकट पर पूर्व में लड़ी पूनम राय, जो कि इस लॉकडाउन में काफी सराहना काम किए और लोगों के बीच खाद्य सामग्री भी पहुंचाया, वह भी उनका भी कहना है कि मैं भी आरजेडी के टिकट के प्रयास में, और भाजपा से संगीता सिंह जो कि समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाई है और पूर्व में भी जिला पार्षद का चुनाव लड़ चुकी हैं, और देश राय जो है भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही जितेंद्र सिंह जीतू जो कि लोजपा से चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अमनौर विधानसभा नए चेहरे को चुनती है या पुराने चेहरे को फिर एक बार अपना प्रतिनिधित्व देने का काम करती है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी घोषणाएं नहीं हुई है, लेकिन अमनौर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों का डोर टू डोर जाना चालू हो गया है। बताते चले कि पूर्व में त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी, जिसमें अमनौर विधायक शत्रुघ्न तिवारी ने बाजी मार ली थी। इस बार देखना है कि नए समीकरण के अनुसार भाजपा को टिकट मिलती है या जदयू को, ये कयासों के दौर में है और हमारा प्रयास रहेगा, नेशनल खबर 9 का प्रयास रहेगा कि अमनौर विधानसभा का जो भी खबर हो वो जनता के बीच में रखे, चुनावी समीकरण का जो भी खबर हो वह जनता के बीच में रखे। वहीं नेशनल खबर 9 एक नया एपिसोड चला रहा है जनसंवाद, जो कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आम जनता की समस्या प्रत्याशियों के बीच में रखेगा और उसी पर चुनावी समीकरण चलेगा। छपरा से मनोज कुमार सिंह। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।